चाहता हूँ, इसलिए मैं दो कीपर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई जबरदस्त, क्या जबरदस्त आपकी बातें जो आप मुझे सिखा रहे हो। तो जमाना उल्टा हो गया है, बहुत सारे बच्चे जब छोटे होते तो मासूमियत में कहते थे हम बड़े होके दुल्हा बनेंगे, हम बड़े होके दुल्हन बनेंगे। उनको लगता था यही बहुत अच्छी चीज़ है, शादी पे बड़ी अहमियत होती है। जिस भी शादी में जाते थे तो दुल्हा दुल्हन को स्टेज पे सदैव देखते थे, तो उनको लगता था यही बहुत बड़ी बात है भाई कि शादी हो रही है तो सब आपको मुबारकबादें दे रहे हैं, तो बच्चे इसलिए ये बोल रहे होते थे। फिर बच्चों से पूछो, अगर आप मैं छोटी थी मुझे होता था कि मैं मासी बनूंगी, मुझे इतना शौक था सफाई करने का, स्पंज लेके डस्टर लेके पूरे घर की डस्टिंग करना, झाड़ू लगाना, तो ये एक बच्चों के लिए ना बड़ी मजे का काम लगता था। आज फिर मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी और उनको यहाँ बुलाऊंगी। आइए चल के देखते हैं जिस एक्ट्रेस को मैं अभी बुलाने वाली हूँ उनका नाम भी मैं उनके सीन दिखाने के बाद बताऊंगी। चले आइए चल के देखते हैं। मैं फोन मिस करूँ? नहीं, मैं खुद बात करूंगी वहां भाई से। पहले मैं कम से नहीं रही जो तुम अपने गाइस ने जो आपके साथ किया वो उनकी नफरत अशर आप करिए, लेकिन रोहान भाई रोहान भी अब बदल गए, उसके दिल में अब नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। तो वो नफरत आपने पैदा किया है जी। इस सीन में तो आप कुछ उदास सा चेहरा देख रहे थे, लेकिन ये एक्ट्रेस बड़ी फन लविंग एक्टिंग भी करती हैं, इमोशनल एक्टिंग भी करती हैं, बड़ी प्यारी बातें भी करती हैं। मेरे शो पे पहली दफा यहाँ आ रही हैं और मैं उनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ। आइए वेलकम करते हैं जिनको आपने देखा है दीवानगी में, जेबाइश में, रणछोड़ लाइन की रज्जू में और हानिया में। आइए वेलकम करते हैं जोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। हम जोया हम कहीं मिले हैं, हम किसी दावत में मिले हैं, हम मामला की बर्थडे में मिले थे उनको। तो आइए वेलकम करते हैं एक और न्यू कमर को मेरे शो पे जो पहली दफा यहाँ, तुम भी पहली दफा आई हो ना जोया? हाँ, जो पहली दफा मेरे शो पे आ रही है। आइए वेलकम करते हैं जोरे अमीर। हाँ जी, तो ये जोरे जोरे मैंने सही प्रोनाउंस किया तुम्हारा नाम या गड़बड़ की कहीं? सही क्या? बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें बताने में प्रॉब्लम होती होगी लोगों को कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट नाम। मैंने कहा चलो जी लड़कों को भी थोड़ी लिफ्ट करा दी जाए। एक और न्यू कमर जो इस वक्त मेरे शो पे आने वाले हैं, उनको आप देख रहे हैं आजकल घिसी पिटी मोहब्बत में, सुतेली ममता में, बिन बादल बरसात में, कुर्बान में, छोटी छोटी बातें, इतने सारे ड्रामे कर रहे हैं ये। आइए मैं एक सीन दिखाओ, सीन है मेरे पास, फिर मैं बताती हूँ कि मैं किसको बुलाने वाली हूँ। आइए वेलकम करते हैं अबुल हसन को। क्या होता है लड़कों को ना रुलाना बड़ा मुश्किल होता है ना। क्या किया आपने? नहीं मैंने किया नहीं है, करनी है तो बोला कि जाए आप अंदर जाए। मैंने बोला चले जाओ। हाँ जी चले जाए। मैंने बोला लो जी मैं चला गया। तो उससे पहले मैंने एक जगह पे अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करा। ऑडिशन लेके जब मैं गया तो डायरेक्टर साहब ने देखा तो उनको ऑडिशन बहुत पसंद था और वो ऑडिशन मेरा बाकी। प्रैक्टिस कहाँ करते थे आप? एक्टिंग ऑडिशन में खड़े होके क्या प्रैक्टिस, किसको देख करके क्या करते? नहीं कोई इंस्पिरेशन नहीं था मेरे लिए एज एन एक्टर बनने के लिए। मुझे बचपन से ही शौक था इस चीज का। वही कह रही हूँ ना, करते तो प्रैक्टिस तो करते होंगे ना, कभी थिएटर करते होंगे, स्कूल में टैबलो करते होंगे, कुछ कुछ कोई ऐसी चीज करते। थिएटर प्रोजेक्ट मैंने किया था। अच्छा। के इलेक्ट्रिक का था, उजाला के नाम से। अच्छा। तो वहाँ से जो है फिर चीजें निकलना शौक आपका डेवलप। शौक बचपन से था, मैंने कहा ना कि वो दबा के रखा हुआ था, दिखाता कोई नहीं। वो बताओ कहाँ दिखाते हैं, खानदान की शादियाँ होती ना वहाँ आगे आके खड़े हो जाते हैं ये, कहीं ना कहीं निकलते हैं शौक। क्या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना है आपने? एक्टिंग ही करनी है? अच्छा, मतलब लाइक बिजनेस वो तो चल रहा है ना साथ में, वो तो चल रहा है, अब्बू चला रहे हैं।
लिए यू नेवर नो कि आप अपनी जिंदगी खुद मुश्किल बना लें। तो हम कहाँ से कहाँ निकल गए। आपने कभी तो सोचा होगा कोई अम्मी को बताया होगा भाई ऐसी लड़की चाहिए मुझे। अम्मी को ही बताया नहीं। अम्मी नहीं कहती कि मैं तो अपनी पसंद की लड़की लाऊं। अम्मी कहती है। अम्मी कहती है। आप क्या कहते हैं? देख ले। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्राइटेरिया आप नहीं बताते अम्मी को? अम्मी को घरेलू लड़की चाहिए। कल को ब्लेम आपका होगा, मेरा नहीं होगा। तो अम्मी को कैसी चाहिए? घरेलू लड़की चाहिए जो। हाँ, अब हम बेटी की तरफ जा रहा है। 9 बज रहे हैं। हाँ, और भरी भी रोड है, ये भी नहीं कि खाली एक सीट की रोड थी। अब आपको पता है स्पीड ब्रेकर्स नजर नहीं आते हैं। हाँ, और मैं ऐसी हूँ कि मैं 30 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती। बहुत बुरे ड्राइवर्स मामले में कि मैं स्लो चलाती रहूंगी कि देर आओ तो रुकता हूँ। हाँ, आज तक अलहमदुल्ला ना ये बता दिया ये अभी हसन का होगा क्या कहूँ? अबुल कहते हैं। अबुल 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 हसन ने बता दिया आपको कि इन्होंने गूगल किया और इन्होंने किस तरह रास्ता ढूंढा, फिर ये किस तरह बाहर बैठे, इन्होंने वो सारे डायरेक्टर्स की जो इमेजेस थे वो भी गूगल से ही निकाले और फिर उनके साथ उनको माशाल्लाह मैसेजेस भेजते रहे इरफान मोतीवाला की तरह। और इरफान मोतीवाला कितने सालों से भेज रहे हैं, अभी तक भेजते हैं। आप खुश रहे, आप जीते रहे, आप बहुत सारी दुआएं। तो ये आज आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी और इनके बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहे और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं आप तीनों पहुँच। थैंक यू। थैंक यू। मैं कहाँ पहुँचूंगी अब? नहीं, दुआएं आपकी। ओके जी, खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कब? मंडे को। मंडे को देखना मत भूलिएगा। गुड।